भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े प्रतिनिधियों के बीच में आपसी खींचतान को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच यह भी बात उड़ी है कि माननीय पंचायत मंत्री के साथ किसी ने बदसलूकी की है, लेकिन वह मात्र अफवाह ही थी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पंचायत मंत्री के बमौरी विधानसभा में भ्रमण के दौरान जब वह गुना स्थित एक ट्रैक्टर शोरूम पे पहुंचे तो वहां पर दो भाइयों की आपसी में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ था। और इतनी सी बात में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। इस मामले में महेंद्र किरार ने कैंट थाने में पहुंचकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। क्या हुआ है पूरा मामला जरा संक्षेप में बता दीजिए। मैं अभी लगभग 12:30-1 बजे के बीच में पंचायत मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के साथ बमोरी क्षेत्र में कुछ जगह शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए माननीय मंत्री जी जा रहे थे, उनके साथ में भी मैं जा रहा था। तभी मंत्री जी बीच में टेम्पू डायरेक्ट से शोरूम है वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर मेरे ऊपर हेमराज किरार, दुष्यंत किरार और इनके अलावा अन्य 6 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद मैं अभी यहाँ थाने आया हूँ FIR कराने और अभी मैं हॉस्पिटल भी अभी जा रहा हूँ। कारण क्या है मारपीट करने का, क्या कारण है मारपीट? ये कारण तो अब वो ही बता सकते हैं कि भाई उन्होंने इस तरह से मेरे ऊपर हमला क्यों किया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक आके इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसी बीच शहर में अफवाहें जारी रही कि जिसके चलते जो मन में आ रहा था वह अपनी बातों और कल्पना के आधार पर बातें सुना रहा था। इन्हीं को लेकर मामले में अपनी तरह से बातें बनाई जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दिया है। अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था। गुना से नितेश राठौर की रिपोर्ट।